मैं आपको 5 पॉइंट की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से रक्षाबंधन पर राखी बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिख रहा होगा, इस तरह आप 5 पॉइंट लगा देंगे, 2 पॉइंट इधर लगाइएगा, 2 इधर, और 1 पॉइंट आप बीच में लगा दीजिएगा। अब देखिएगा, अब आपको बीच में एक छोटा सा सर्किल बनाना होगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना होगा छोटी सी, एक स्ट्रेट लाइन आप बीच से ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, यानी कि आपको एक प्लस सिंबल बनाना होगा। प्लस सिंबल बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, इधर से आप हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए इसको टच करिए ये वाले पॉइंट को, फिर सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, यानी कि आपको एक छोटा सा लीप्स बनाना होगा। सेम प्रोसेस इधर भी आप ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से भी आप ऐसे ले जाइएगा, यहाँ पे मिलाइए, फिर इसके बाद यहाँ पे कर दीजिए। देखिए कितना आसान है। इधर से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से छोटा सा यहाँ पे हाफ सर्कल बनाना है, इसको ऐसे डबल भी करना होगा। यही जैसे आपने ऊपर के साइड में किया है, इसी तरह नीचे के साइड में भी आप रिपीट कर दीजिएगा। इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करिएगा। डबल करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी आपको छोटा सा हाफ सर्कल बनाना है, इसको भी डबल करना है 4 पॉइंट, यानी कि चारों तरफ आप ऐसे डबल डबल कर दीजिएगा। अब आप इधर एक यू लेटर लिखिए, एक यू लेटर आपको इस साइड लिखना होगा, यहाँ से भी ऐसे डबल करना होगा, इधर से भी ऐसे डबल कर दीजिएगा। हम डबल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कलर करने में आसानी हो। अब आप एक छोटा सा यहाँ पे 3 सर्कल बनाइएगा। सेम प्रोसेस दोस्तों, इधर से भी आप ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आपको एक लाइन आगे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ पे ऐसे डबल करिए, फिर एक छोटा सा सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद छोटे छोटे आप ऐसे हाफ सर्किल बना देंगे तो एक आपका यहाँ पर फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिए, डबल लाइन ड्रॉ करिएगा, छोटा सा सर्किल बनाइए, फिर इधर आप ऐसे फ्लावर बना देंगे। फ्लावर बनाने के बाद इधर से आप ऐसे 3 यानी कि छोटे छोटे हाफ हाफ सर्किल बनाइएगा, ऊपर के साइड में भी नीचे के साइड में भी छोटे छोटे सर्किल बनाइए, फिर यहाँ से आप हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इसको आप ऐसे नीचे के साइड में घुमा दीजिएगा। इधर से आप नीचे के साइड में हल्का सा इसको तिरछा कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इधर से ऐसे करिए, फिर इसके बाद आप 3 नंबर लिखिएगा, यहाँ पर ऐसे करिए, आगे के साइड में भी कुछ छोटे छोटे सर्किल बनाइएगा, हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इधर ले जाइए, फिर ऊपर की तरफ कर दीजिएगा, छोटा सा सर्किल बनाइए, छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। इधर से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। अब आपको करना क्या है देखिएगा, जो हमने ऊपर के साइड में हाफ सर्किल करके डबल बनाया है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पर एक रोज फ्लावर की लीव्स बना देंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। इधर भी कर दीजिए और हम नीचे के साइड में भी सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं।